सो गाइस, ये है Redmi Note 13 Pro Plus 5G। इस फ़ोन में न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट आ चुका है जो कि हम इस वीडियो में अपडेट करने वाले, रिव्यू भी करेंगे और ऑल देखते हैं अपडेट जो कितना बड़ा अपडेट है, क्या क्या इस अपडेट में यहाँ पर मिलने वाला। तो सेटिंग पर चलते हैं। सो अपडेट जो है अबाउट फ़ोन में चलते हैं और चलते हैं अपडेट पर। तो अपडेट वर्जन जो है भाई यहाँ पर है 1.0.10.0 UNO IN XM, जो कि है 621 MB का अपडेट। तो अपडेट तो तगड़ा लग रहा है, काफ़ी बड़ा अपडेट है बेसिकली। और अपडेट में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली भाई, यहाँ पर होने वाला है सिस्टम, फ्लोटिंग विंडोज़, कंट्रोल सेंटर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लॉक स्क्रीन, क्लॉक, कैलकुलेटर, स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन सेट। तो भाई अपडेट जो है काफ़ी तगड़ा है यार। यहाँ पर जो रेडमी ने काफ़ी कमाल का काम किया है, यहाँ पर डिटेल में बताया है क्या क्या जो इस अपडेट में होने वाला है और किस चीज़ के रिगार्डिंग ये अपडेट है। तो बेसिकली हो सकता है ये वाली प्रॉब्लम आपके फ़ोन में हो सकता नहीं भी हो, तो कोई बड़ी बात नहीं, किसी पर्टिकुलर डिवाइस में हो सकती है जिसके फीडबैक पे इस अपडेट को लाया गया होगा। और दूसरा, जो इनकी रिसर्च टीम होगी वो भी खुद भी प्रैक्टिकल करके देखती रहेगी डिवाइस वगैरह में। भाई सिस्टम में यहाँ पर है ऑप्टिमाइजेशन का, ऑप्टिमाइजेशन में यहाँ पर दो तीन चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन में इंप्रूव ऐप प्री लोडिंग टू एनहेंस ऐप स्टार्टअप स्पीड, तो ऐप स्टार्टअप स्पीड के लिए ऑप्टिमाइजेशन का है। और सेकेंड यहाँ पर है फिर न्यू स्टार्टअप एनिमेशन स्ट्रेटेजी मेक ऐप लॉन्च फास्टर, तो ये भी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हो गया आपके। और बाकी फ्लोटिंग विंडोज़ में भी यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, फिक्स वीडियो ऐप वरन डिस्प्ले करेक्टली वैन स्विचिंग स्क्रीन ओरिएंटेशन, तो वीडियो प्ले करते हुए जो डिस्प्ले में इशू आता होगा या प्रॉपर वीडियो डिस्प्ले नहीं होती उसके लिए यहाँ पर। सेकेंड चीज़ जो है यहाँ पर फ्लोटिंग विंडोज़ में जो कि द साइज ऑफ पिन फ्लोटिंग विंडोज़ फॉर सम गेम्स एंड वॉज इनकरेक्ट, सेकेंड चीज़ जो होगी गेम में जो फ्लोटिंग विंडोज़ में जो उसका साइज है, पिन साइज है फ्लोर बिल्डिंग का, वो इनकरेक्ट रहता है उस चीज़ को अपडेट करने के लिए, उस चीज़ को फिक्स करने के लिए। थर्ड चीज़ जो है कंट्रोल सेंटर से रिलेटेड है जो कि है फिक्स सम टॉगल्स ओकेजनली फाइल्ड टू वर्क। फोर्थ चीज़ जो यहाँ पर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्रैशेज ओकर्ड इन सम केसेज, होता होगा जब आपके फ़ोन में हो रहा नहीं हो रहा, आप लोग कमेंट करके बताइए। बाकी लॉक स्क्रीन से रिलेटेड है, क्लॉक से रिलेटेड है, कैलकुलेटर से रिलेटेड है, स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन से रिलेटेड है। तो काफ़ी कुछ है इस अपडेट में, आप लोग पॉज करके ही पढ़ सकते हैं। दूसरा, आपके पास होगा Redmi Note 13 Pro Plus 5G, आई थिंक आपके फ़ोन में ये अपडेट आ गया होगा। और ये 5G से रिलेटेड क्या है भाई, द 5G आइकन इन द स्टेटस बार वाजंट फुली डिस्प्लेड आफ्टर स्विचिंग फोन साइज, अच्छा फोन साइज चेंज करने के बाद जो यहाँ पर ये जो 5G का साइन है वो शो नहीं कर रहा होगा, ऐसा कुछ होगा। आप लोग कमेंट करके बताना ये चीज़ आपके फ़ोन में हो रही नहीं हो रही। तो काफ़ी कुछ अपडेटेड, काफ़ी डिटेल में यहाँ पर Redmi ने दिया भी है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी सही लगी। बाकी अदर कंपनी भी इस तरह से अपडेट लाने लगे तो मज़ा आ जाएगा। खैर, अभी अपडेट को हम करने वाले हैं, उससे पहले मैं बता देता हूँ जो फ़ोन जो स्मूथ चल रहा है, किसी तरह का कोई भी इसमें फ़ोन में इशू नहीं है और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपके फ़ोन में प्रॉब्लम है आप जो फेस कर रहे हो, आप लोग कमेंट करके बताना। तो अपडेट करते हैं और अपडेट करने के बाद देखते हैं चेक करके और कैसा यहाँ पर फ़ोन चलने वाला है। तो चलते हैं अपडेट पर और डाउनलोड अपडेट पर कर देते हैं क्लिक। 5G भी आ रहा है, देखते हैं कितना टाइम यहाँ पर लगने वाला है। तो डाउनलोड पर कर देते हैं क्लिक, टर्न ऑन यूजिंग मोबाइल डेटा, और यहाँ पर डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है। और भाई यहाँ पर जो स्पीड आ रही है ना, अभी 125 MB के समथिंग आ रही है, 1.16 MB 5G में, जो कि यार यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी कम आ रही है। तो ऐसे डाउनलोडिंग यहाँ होने में यहाँ पर टाइम लगने वाला, अब 6 MB के समथिंग आ चुकी है। तो फिर भी देखते हैं 9:03 से हमने स्टार्ट किया है, कितने टाइम में यहाँ पर डाउनलोडिंग कंप्लीट होने वाली है। सो भाई डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, 2 मिनट के समथिंग लगे 621 MB डाटा को यहाँ पर डाउनलोड होने में। फिलहाल जो एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसमें देखते हैं कितना टाइम लगने वाला। खैर ये इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड नहीं करता, ये फ़ोन के प्रोसेसर पर डिपेंड करता है और जो कितनी बड़ी फाइल है अपडेट पर डिपेंड करता है। सो भाई एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस जो ऑलमोस्ट यहाँ पर हो चुका है और इसमें टाइम लगा लगभग 7 मिनट के समथिंग। फिलहाल जो फाइनलाइजिंग चल रहा है, इसके बाद जो डिवाइस हमारा स्टार्ट होगा, सॉफ्टवेयर अपडेट कर पाएंगे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएंगे, तो 7 मिनट के समथिंग लगे 600 MB के अपडेट में। तो फिलहाल जो फाइनलाइजिंग चल रहा है, लेट्स सी इसमें कितना टाइम यहाँ पर लगेगा। तो फाइनलाइजिंग हो चुका 96% और टोटल टाइम यहाँ पर लगा एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस के बाद लगभग 9 मिनट के समथिंग। फिलहाल जो 100% हो चुका है और वही टोटल 9 मिनट लगे एक्सट्रैक्टिंग प्रोसेस में, यहाँ पर जो से ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगा इसमें। और फिलहाल जो हम डिवाइस को रिस्टार्ट कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो रिबूट नाउ पे कर देते हैं क्लिक। ऐसे में हमारा डिवाइस यहाँ पर रिस्टार्ट होगा, तो आपने ध्यान रखना डिवाइस को छेड़ना नहीं है जब रिबूट होता है डिवाइस, ना पावर बटन दबाना, ना वॉल्यूम अप डाउन बटन, कोई भी की प्रेस नहीं करनी, बाय डिफॉल्ट जो प्रोसेस होता है उसको होने दें। इसमें आई थिंक 1 से 1.5 मिनट लग सकता है ज़्यादा ज़्यादा। सो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, ऐसे में अब डिवाइस होने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, इसलिए हम डिवाइस को यहाँ पर छोड़ दें कम से कम
15 से 20 मिनट के लिए ऑप्टिमाइज़ होने के लिए, उसके बाद चेक करते हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट हुए लगभग 20 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं और टॉप में यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है भाई, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है जो कि है ये। और चेक करते हैं भाई फ़ोन स्मूथ चल रहा है नहीं चल रहा। तो जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट करें हमेशा ध्यान रखें ऑप्टिमाइज़ होने के लिए फ़ोन को छोड़ देना चाहिए अपडेट के बाद, कम से कम 20-25 मिनट के लिए। और उसके बाद भी अगर हल्का फुल्का लैग वगैरह फील हो रहा है तो फ़ोन को रिस्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं उस अपडेट के जस्ट बाद फील हो, कुछ टाइम बाद फील हो सकता है, जैसे कि कोई ऐप जो क्रैक करने लग जाए, लैग करने लग जाए। पर फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं, फिंगरप्रिंट अनलॉक यहाँ पर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, बेसिकली काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है देखो। सो फेस लॉक भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे यहाँ पर लॉक करते हैं तुरंत यहाँ पर अनलॉक हो जा रहा है फ़ोन। सो यूट्यूब पर 4K वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। सो गाइस फिलहाल यूट्यूब पर वीडियो प्ले हो रही है फुल HD में 1080p60 FPS पर, जो कि एक HDR वीडियो है। और भाई वीडियो देखने पर क्या ज़रूरत यहाँ पर लग रही है, अभी हमने इसको जूम किया हुआ है बेसिकली स्क्रीन पे फिट किया हुआ है इसको पूरा, तो क्या अलग ही एक्सपीरियंस है भाई वीडियो देखने का। हालांकि फुल HD में प्ले हो रही है, अभी हम इसको स्विच करेंगे 4K पे, 4K वीडियो प्ले होते हुए कहीं अटकती तो नहीं है। सो देख सकते हैं 60 HDR वीडियो है, अभी हम इसको स्विच कर देते हैं 4K पर। सो फिलहाल हमने वीडियो को स्विच कर दिया 4K पे, वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा ना हल्का सा अटकती है, उसके बाद स्मूथली यहाँ पर वीडियो प्ले होने लगती है। स्किप करते हैं इसको, जैसे यहाँ पर स्किप किया मैंने वीडियो को, थोड़ा सा टाइम लेती है, उसके बाद स्मूथली यहाँ पर प्ले होने लगती है। देख सकते हैं कितना स्मूथली वीडियो प्ले हो रही है और उसके बाद कंटिन्यूस प्ले हो रही है। हालांकि ये चीज़ें कई बार नेटवर्क पर डिपेंड करती हैं। अभी मैं इसको और आगे कर देता हूँ, 70 सेकेंड के समथिंग मैंने इसको स्किप कर दिया इसको, और फिर देख सकते हैं वीडियो यहाँ पर स्मूथली प्ले होने लगी। तो खैर यूट्यूब पर जो HDR का सपोर्ट है यहाँ पर और 4K में कंटेंट वॉच करेंगे, HDR कंटेंट होगा, अलग ही एक्सपीरियंस वहाँ पर होने वाला है, तो यूट्यूब पर किसी तरह कोई इशू नहीं होने वाला है, HDR कंटेंट को आप वॉच कर सकते हैं यूट्यूब पर। यहाँ पर स्पीकर की क्वालिटी, म्यूज़िक की क्वालिटी भी चेक कर लेते हैं अपडेट के बाद, किसी तरह का कोई इशू आ रहा है नहीं आ रहा। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पर प्ले, सो वॉल्यूम को यहाँ पर फुल करते हैं। सो अगर यहाँ पर हम म्यूज़िक सुनते हैं लो वॉल्यूम पे, चाहे यहाँ पर हाई वॉल्यूम पे सुने, किसी तरह कोई इफेक्ट यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बेसिकली क्वालिटी का किसी तरह का इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, तो अपडेट के बाद भी भाई यहाँ पर जो काफ़ी अच्छी यहाँ पर क्वालिटी है, यूट्यूब पर आप जो कुछ भी म्यूज़िक प्ले करेंगे तो किसी तरह कोई इशू आपको फेस करने को नहीं मिलने वाला है। सो अपडेट के बाद फ़ोन तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, यहाँ पर हमने यूट्यूब पर वीडियो प्ले करके देखी, कैमरा वगैरह ओपन करके देख लिया, स्विच करके देख लिया, यहाँ पर फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक, सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रही है, किसी तरह कोई इशू नहीं है। और बैटरी बैकअप, चार्जिंग टेस्ट की वीडियो खैर आपको अलग से मिल जाएगी, जिसमें हम देखेंगे भाई कितने टाइम में ये फ़ोन 100% चार्ज हो जाने वाला है। सो अपडेट आ चुका है, जिन लोगों ने अपडेट कर लिया है वो लोग कमेंट करके जरूर बताना किस तरह का एक्सपीरियंस है इस अपडेट के बाद। खैर अपडेट का थोड़ा सा यहाँ पर टाइम जरूर हो चुका है, तो काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा, आई होप कमेंट करके बताना किन किन लोगों के पास Redmi Note 13 Pro Plus 5G है और इस अपडेट के पास किस तरह का एक्सपीरियंस है। इस अपडेट में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर Redmi ने मेंशन की है, तो उस पर डेफिनेटली यहाँ पर वर्क भी किया है, तो Redmi यहाँ पर ये काम अच्छा कर रहा है, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर अपडेट दे रहा है हर चीज़ को जो प्रॉपर बताकर बेसिकली किस चीज़ के लिए अपडेट है, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। यहाँ पर स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ के लिए यहाँ पर बताया गया है किस चीज़ से रिलेटेड है अपडेट होने वाला, सो नो डाउट आप इस अपडेट को कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर करें दोस्तों, चैनल बनाए तो प्लीज़ चैनल को ना सब्सक्राइब।